चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और विस्तार से उनके आंसर बताए जा रहे हैं। तो इस तरह के हम लोग 14 टेस्ट अभी तक खत्म कर चुके हैं। ये आपका 15वां टेस्ट है। याद रखिए, इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए जाते हैं ये उन सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी रहेंगे जिनमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हों। फिर चाहे आपका एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, चाहे बिहार बीसीएस हो, कोई भी आपका स्टेट एग्जाम हो, या फिर आप देखते हैं कि एक आपका यूपीएससी करवाता है सी सॉरी ईपीएफओ, अभी आपने आया होगा, डाला भी होगा आप लोगों ने, तो इसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो 15वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें स्वदेशी या पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से संरक्षण के प्रावधान शामिल हैं। बिल्कुल सही है। यह जैव विविधता से उत्पन्न होने वाले लाभों से संबंधित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। यह आपका गलत है। क्या है? गलत है। इसमें स्थानीय ग्राम स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसमें क्या पूछा था? सही उत्तर हमें चुनना है। तो आप देख रहे हैं, एक सही है और तीन सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। दूसरा कथन आपका गलत क्यों है? अगर इसकी अगर बात करें हम लोग, तो जैव विविधता के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने हेतु उपाय, जिसमें आप देखेंगे प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, मौद्रिक रिटर्न, संयुक्त अनुसंधान और विकास और संयुक्त आईपीआर स्वामित्व आदि शामिल होते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा कथन गलत था। तो क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला। क्या है क्वेश्चन? आद्य भूमि प्रबंधन और संरक्षण नियम 2017 के संदर्भ में आद्य भूमि की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? आद्य भूमि प्रबंधन और संरक्षण नियम 2017 के संदर्भ में आद्य भूमि की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? धान के खेत? नहीं, दलदल शामिल है, दलदली भूपट्टी ये भी शामिल है, वनस्पति पदार्थों से ढकी भूमि ये भी आपका शामिल है। सही चुनना है हमें, नीचे दिए गए जो कूट दिए गए इनका प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो 2, 3 और 4 इसमें सही है। 2, 3, 4 सही है। आप देखेंगे इसमें नदी तंत्र हो गया, इन्हें शामिल नहीं किया जाता है, नदी तंत्र को, धान के खेत को शामिल नहीं किया जाता है, या मानव निर्मित जल निकाय होते हैं टैंक, इन्हें भी शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें आद्य भूमि में नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आद्य भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है। इसके कई लाभ होते हैं। आद्य जल भूमि को प्रदूषण से मुक्त बनाती है और आद्य भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरे रहते हैं आपके। ठीक है, इसमें आद्य भूमियों पर रामसर सम्मेलन में आद्य भूमि को इस तरह परिभाषित किया गया, जैसे दलदल भूमि हो गई, दलदली भूपट्टी, वनस्पति पदार्थों से ढकी भूमि, प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी अस्थायी, स्थिर या बहता हुआ या मीठा खारा, या फिर नमक के पानी के क्षेत्र और समुद्री पानी के बीच क्षेत्र जिनकी गहराई कम ज्वार में 6 मीटर से अधिक नहीं की जाती है, इन्हें इसमें शामिल किया जाता है आपका आद्य भूमियों में। ठीक, धान के खेतों को आपका शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन आपका सही है। 2, 3, 4 अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। प्रवासी प्रजातियों के सम्मिलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसे बॉन सम्मेलन भी कहा जाता है, इसे बॉन सम्मेलन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सी एम एस
यानी कि प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन एकमात्र वैश्विक और संयुक्त राष्ट्र आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अनन्य रूप से थलचर जलचर एवं एवियन प्रवासी प्रजातियों के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए की गई है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है, तो एक कथन भी सही है और दूसरा भी कथन सही है। याद रखिए इस पॉइंट को आप लोग या तो पहले पढ़कर इन्हें बाद में पढ़ सकते हैं और जैसा भी आपको सूटेबल लगे, बस आपको इस पॉइंट को एक से दो बार पढ़ना है। क्योंकि आप देखिए अगर पूछ लेता कि सही नहीं है तो आप देख रहे थे कि दोनों कथन सही थे, तो आपका तुरंत ऑप्शन बदल जाता, आप लोग ऑप्शन दूसरा लगाते। इसलिए बड़े ध्यान से इसे पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि देखा जाता है कि कई बार आते हुए क्वेश्चन हम लोग गलत कर बैठते हैं इसी की वजह से। तो इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बैनर तले एक पर्यावरण संधि के रूप में CMS यानी कि प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों व उनके अधिभाषों के सतत उपयोग और संरक्षण के लिए एक वैश्विक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, ठीक है। और CMS उन राज्यों का एक स्थान लाता है जिनसे होकर प्रवासी प्रजातियां गुजरती हैं। इन्हें हम लोग रेंज स्टेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा है एक कथन भी सही था, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही था। इसमें एक कथन भी बिल्कुल सही था और दूसरा भी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे किन्हें पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया था? किन्हें पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया था? एजेंडा 21 यानी कि एजेंडा 21, वन सिद्धांत, जैव विविधता पर सम्मेलन, इन तीनों को अपनाया गया था। किसको? तीनों को अपनाया गया था। सही उत्तर चुनना है तो आप देखेंगे 1, 2, 3 तीनों होंगे इसमें। इस सम्मेलन में आप देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, इसमें आप देखेंगे कि निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे, रियो घोषणा और एजेंडा 21, वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए सिद्धांत, जैव विविधता पर अभी समय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र बैम्बर्ग कन्वेंशन। इन सभी सिद्धांतों पर एक तरह से आप कहिए कि इन पर दस्तखत या फिर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। ये आप याद रखिए, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे रियो समिट या फिर आप लोग पृथ्वी समिट के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, ये आपका ब्राजील की रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में किया गया था। कब? 1992 में, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं और इसे रियो समिट भी बोलते हैं, और पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी बोलते हैं, सही है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा है तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, कार्टाजेना प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसका उद्देश्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत स्थलीय जलीय तथा एवियन प्रवासी प्रजातियों को संरक्षित करना है। बिल्कुल गलत है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ये भी आपका गलत है। पूछ के आ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, तो आप देख रहे हैं ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। आखिर इसमें सही क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को जैव विविधता कन्वेंशन के तत्वाधान में अंतिम रूप दिया गया था और इसे 29 जनवरी 2000 को अंगीकार किया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता पर अभी समय कन्वेंशन का एक पूरक समझौता है। यह प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया था, 11 सितंबर 2003 को। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। कैसी है? यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ठीक है।
और यह कन्वेंशन आधुनिक जैव तकनीक के दो पहलुओं को मान्यता और पहचान देता है, तकनीकी पहुंच और प्रसंस्करण, और दूसरा तकनीकी प्रयोग में जैव तकनीकी की सुरक्षा को अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रणाली का प्रयोग करना। इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जीवों का सुरक्षित अंतरण, प्रसंस्करण और उपयोग सुनिश्चित करना है जिनका मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण व सतत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? इसमें ना तो आपका एक सही था और ना ही दूसरा सही था, यानी कि दोनों कथन आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से UNFCCC के COP के 16वीं सत्र का परिणाम है? निम्नलिखित में से कौन से UNFCCC के COP कॉप के 16वीं सत्र का परिणाम है? प्रौद्योगिकी तंत्र, हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, ये तीनों आपके शामिल हैं। क्या है? तीनों सही हैं, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। आपने देखा होगा कि प्रौद्योगिकी तंत्र को कानकुन 2010 में सीओपी के 16वीं सत्र द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें प्रौद्योगिकी विकास के वर्धित कार्यों के कार्यान्वयन और जलवायु परिवर्तन की समन और अनुकूलन संबंधी कार्रवाइयों को समर्थन भी मिलना अपेक्षित था। ठीक है, तो इसमें आप क्या थे? तीनों सही हैं आपके ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के रूप में पहचाने जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों के रूप में पहचाने जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक फॉर्म के उत्पादन में सही है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सफाई में, एरोसोल के डिब्बों में दबाव डालने वाले एजेंट के रूप में, ये आपका तीनों सही है। कौन सा सही है? एक दो तीनों सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी की सुरक्षात्मक जो ओजोन परत है इसे क्षति पहुंचा देते हैं। इनमें आप देखेंगे CFC यानी कि क्लोरो क्लोरो कार्बन हो गया, हेलोनस हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, मेथाइल क्लोराइड फॉर्म हो गया। CFC की अगर बात करें तो आप रेफ्रिजरेटर में भी देखते हैं, दबाव देने वाले एजेंट फॉर्म और एरोसेल में भी देखते हैं इसका उपयोग, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई में भी इसका उपयोग देखते हैं CFC का। ठीक है, ओजोन परत तो वही है, आप लोग जानते हैं कि ये जो भी हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। NGT ने दिल्ली में 50 माइक्रोकॉन से पतले प्लास्टिक बैग के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। बिल्कुल सही है, NGT ने उत्तराखंड में हरिद्वार तक गंगा के समुचे विस्तार में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के विक्रय प्रयोग तथा भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी आपका सही है। NGT ने समूची नर्मदा एस्चुरी में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के विक्रय प्रयोग तथा भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि निकटवर्ती अरब सागर क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटा जा सके। ये आपका गलत है। क्या है? तीसरा कथन आपका गलत है। क्या पूछ रहा है? सही कथन हमें बताना है। तो आप देख रहे हैं कि पहला सही है और दूसरा भी, पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। तीसरा क्या है? गलत है। अगर हम लोग NGT की बात करें तो आप जानते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल एक्ट, इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। कब? 2010 में की गई थी।
ठीक है, याद रखिए, इसकी स्थापना आप राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी कहते हैं आप लोग हिंदी में से, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, एक और दो, तीसरा गलत क्यों है इस पर भी बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एनजीटी द्वारा नर्मदा एस्टुअरी में प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, तो याद रखिए, इसलिए तीसरा गलत था आपका। एक और दो इसमें बिल्कुल सही थे कथन आपके, एक दो सही थे। याद रखिए इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, उसके बाद इसे अच्छे से और अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें पढ़ते जाइए, फिर इसमें आंसर मिलाते जाइए। और याद रखिए एक बात और, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है गलत है तो उसका थोड़ा व्याख्या करके नीचे कमेंट में लिख दिया करिएगा, क्या रहता है कि हमसे भी गलती हो जाती है, वैसे ही सब कोशिश रहती है कि आप लोगों को सही ही आंसर बताया जाए, अगर फिर भी गलती हो जाती है तो आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा विस्तार से, कि जैसे कोई भी हमारी फैमिली का मेम्बर आता है तो वो आसानी से इसे समझ सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, तटीय संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, तटीय संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तटीय क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संरक्षण प्राप्त है। सैलिस नायक समिति 2014 ने तटीय क्षेत्रों में राज्य और स्थानीय योजना निकायों के दायरे को बढ़ाते हुए केंद्र सरकार की विनियामक शक्तियों को कम करने का समर्थन किया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है, सही कथन हमें बताना है, तो आप देख रहे हैं कि एक कथन भी इसमें सही है और दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, दूसरा भी आपका सही है। जो आप लोग देखते हैं ना, तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचना 2011 ने इन कमियों का समाधान किया था, इसमें निम्नलिखित उद्देश्य थे, कौन से, तटीय हिस्सों को संरक्षित और सुरक्षित रखना, तटीय इलाकों में रहने वाली मछुआरों और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और प्राकृतिक सिद्धांतों समुद्री स्तर की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सम्मानीय विकास को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय वन नीति 1988 के उद्देश्य हैं? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के उद्देश्य कौन कौन से हैं? राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में रेत के टीलों के विस्तार की जांच करना, बिल्कुल सही है। लकड़ी के पित्ती स्थापन पर ध्यान केंद्रित करना, सही है। नदियां झीलों के जलग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी के क्षरण की जांच करना, ये भी आपका सही है, यानी कि आपके तीनों कथन सही है। क्या है, तीनों कथन इसमें सही है, तो आप क्या लगाएंगे इसमें, सही कूट का प्रयोग करते हुए मैं उत्तर देना है, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जैव विविधता पर अभी समय सीबीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। जैव विविधता पर अभी समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, बिल्कुल सही है। इसका सचिवालय आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में अवस्थित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो एक कथन भी आपका सही है और दूसरा भी सही है। जैव विविधता पर अभी समय कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके अगर हम लोग लक्ष्यों की बात करें, लक्ष्य में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का सतत उपयोग, अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण, यह सभी स्तरों जैसे पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, प्रजातियां, अनुवांशिक संसाधन पर जैव विविधता को शामिल किया जाता है, और यह जैव सुरक्षा पर कार्टेजिना प्रोटोकॉल के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी को भी शामिल करता है,
सीबीडी का शासी निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी यानी कि सीओपी है, ठीक है। और इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मॉन्टियल कनाडा में, मॉन्टियल कनाडा में। तो इसमें हम लोग लगाएंगे दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसमें क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, अपतानी जनजाति समाचारों में थी। याद रखिए इस तरह की जो भी जनजातियां आपकी चर्चा में रहती हैं तो उनके बारे में बड़े विस्तार से आप लोग पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं हमेशा। अपतानी जनजाति समाचारों में थी। एतानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा की पूजा करते हैं। ये अपने भूखंडों पर धान की खेती के साथ साथ जलीय कृषि का भी कार्य करते हैं। घाटी में धान मछली उत्पादन की संस्कृति इनके राज्य में एक अनोखी पद्धति है। ये किस राज्य से संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है आपके? आप सभी लोग जानते हैं कि अरे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि आप देखते हैं अभी भी अगर आपको संस्कृति को देखना है तो इन्हीं लोगों ने अपनी संस्कृति बचाई हुई है, बाकी हम लोग तो अपनी संस्कृति से काफ़ी हटते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इनके ये भी अभी भी वही पारंपरिक तरीके से जीते हैं, पारंपरिक तरीके से इनके जो त्यौहार भी मनाए जाते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में निवास करने वाली एक आदिवासी जाति है, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व व्यापार संगठन WTO के अंतर्गत सबसे पसंदीदा राष्ट्र MNF का दर्जा दिए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MNF विश्व व्यापार संगठन, तो याद रखिए जितने भी आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इन सब के बारे में वैसे ही हम लोग बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं। क्या है? बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, फिर भी आप लोग जाकर देख लें, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची है, उसमें सभी संगठन आपके डले हुए हैं। जब किसी देश को MNF का दर्जा दिया जाता है तो उसे टैरिफ और कोटा के संदर्भ में श्रेष्ठ दर्जा दिया जाता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। विश्व व्यापार संगठन किसी देश को MNF का दर्जा केवल विकासशील देशों को प्रदान करने की अनुमति देता है, ये भी आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। क्यों सही नहीं है उस पर भी बात कर लेते हैं। थोड़ी जानकारी यही दे देता हूँ WTO के बारे में, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं इसके जो कथनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो MNF एक अधिमान उपचार प्रदान करता है लेकिन यह केवल गैर भेदभावपूर्ण व्यापार को सुनिश्चित करता है, ठीक है, याद रखिए। व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता GATT 1994 के अनुच्छेद 1 के तहत विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों ने अन्य सभी सदस्य देशों के केवल विकासशील देश ही नहीं बल्कि सबको इसमें शामिल किया जाता है को सबसे पसंदीदा राष्ट्र मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा देने की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, आपने देखा होगा ये पाकिस्तान से कुछ समय पहले हम लोगों ने पुलवामा हमले के बाद वापस भी ले लिया था जो MNF का दर्जा दिया गया था हमने पाकिस्तान को, ठीक है। तो इसमें आपका ना तो एक सही था और ना ही दो सही था, सही कथन पूछ रहा था ना। अगर आपसे यहाँ पूछ लेता कि सही नहीं है तो आप क्या लगाते? सी ऑप्शन, एक भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं, लेकिन यहाँ पूछा है सही है कौन से, तो इसमें देखा है ना तो एक सही था ना ही दो। बड़े ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ा करिएगा, मैंने खुद देखा है कि ये आते हुए क्वेश्चन हम लोग गलत कर बैठते हैं इसकी वजह से। और आप देखते हैं जब एक ही क्वेश्चन गलत हो जाता है और एक ही दो क्वेश्चन से हम लोग बाहर होते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर ना तो आपको मेंस में बैठने के लिए मिलता है और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। तो एक तरह से मेन पड़ाव पहले यही है, समझ रहे हैं, मेंस में कितनी भी आपकी तैयारी बेहतर क्यों ना हो जब प्रीलिम्स ही ना निकले तो क्या कर सकते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे निर्भया फंड के अंतर्गत शुरू किया गया,
बिल्कुल सही है। यह आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों की रियल टाइम निगरानी का अवसर प्रदान करेगी। ये भी आपका बिल्कुल सही है। नागरिक वॉइस कॉल, SOS, SMS, ईमेल, वेब और पैनिक बटन के माध्यम से मदद का अनुरोध कर सकते हैं। ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। क्या है? तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। इसमें एकल नंबर है 112 है, आपने देखा होगा, ठीक है। इसके द्वारा आपको मदद मिल सकेगी और इसके बाद सभी मौजूदा आपातकालीन नंबर जैसे 100 हो गया आपका पुलिस के लिए, 101 आप देखते हैं फायर स्टेशन, 108 एम्बुलेंस, 181 महिला एवं बाल विकास देखभाल, ठीक है। तो इन पर भी आप लोग कॉल करके कोई भी इस तरह की मदद चाहिए तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो आपका इसमें आपके तीनों ऑप्शन सही हैं बिल्कुल। क्या है? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि निर्भया के जो दोषी थे उन्हें कुछ समय पहले फांसी भी दी जा चुकी है, ठीक है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके तहत सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 9वीं कक्षा से लेकर ऊपर की कक्षाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल बोर्ड प्रदान किया जाएगा। यह भी आपका बिल्कुल सही है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह भी आपका सही है। अब तो आपने देखा है शिक्षा मंत्रालय, नई आपकी जो शिक्षा नीति आई है उसका नाम बदलने की भी बात की गई है, शिक्षा मंत्रालय करने की बात की गई है। तो इसमें आपके दोनों कथन सही है। क्या है? सही कथन आपका पूछ रहा है वो, तो दोनों कथन आपके क्या हैं? सही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का लक्ष्य 1987 में प्रारंभ किए गए थे, ठीक है। तो याद रखिए, डिजिटल कक्षा, समझते हैं आप लोग। लेकिन याद रखिए यार, इस तरह की हम लोग तभी संभव हो सकते हैं जब हम इस क्षेत्र में जागरूक हो जाए। अभी भी आप सुन रहे हैं कि डिजिटल शिक्षा की बात की जाती है, ऑनलाइन शिक्षा की बात की जाती है। अब आप भी जानते हैं कि आधे से अधिक लोगों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, लाइट यानी कि बिजली की भी सुविधा नहीं है। गाँव में किस तरह की नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, इसे भी आप लोग बेहतर जानते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा है कि एमपी में ऑनलाइन शिक्षा की चली थी, तो उसमें आपने देखा है 25-30% केवल छात्र उपस्थित हो पाए हैं। तो आप समझिए 75% छात्रों के पास इस तरह की ऑनलाइन पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है कोई, समझ रहे हैं। याद रखिए, अभी भी हम सोचते हैं अपने हर किसी के पास हम लोगों जैसी सुविधा नहीं है कि हम लोग फोन है आपके पास सब हर तरह से सुविधा है। कई लोगों के पास इस तरह की सुविधा भी आप लोग देखते हैं कि नहीं है। और एक सोचिए आप लोग कि एक परिवार में अगर 2-3 मेंबर हैं, बच्चे हैं आप उनके, तो 1-3 मोबाइल खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, समझ रहे हैं। या तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा इस तरह की मिल जाए तब हो सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल इंडिया पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इस पुरस्कार की शुरुआत की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। गलत है। इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। पूछ क्या रहा है? सही कथन बता रहा ना है हमें, तो केवल आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि वर्ष 2009 में सृजित ये पुरस्कार, यानी कि 2009 में इसका स्थापना की गई थी। अपनी तरह का, भारत में अपनी तरह का एकमात्र पुरस्कार है जो डिजिटल दुनिया में सरकारी संस्थाओं के प्रयासों को सम्मानित करती है, ठीक है।
तो इसमें आपका दूसरा सही था, केवल पहले को हम लोगों ने सही बना दिया। अगला क्वेश्चन है, परियोजना 75 का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? परियोजना 75 आई का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बंगाल के सफेद बाघों के संरक्षण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना, 75वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व भारत को कुपोषण से मुक्त करना, भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन है, क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना को स्वदेशी रूप से 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, स्वदेशी यानी कि अपने देश की। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा खर्च रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO एवं विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जा गई है। बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य पर वैश्विक खर्च में कमी दर्ज की गई है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो आप देख रहे हैं, एक ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैश्विक सेवा स्वास्थ्य सेवा खर्च होती है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO आपकी जारी करती है। ठीक है, इसमें बैंक, विश्व बैंक आपकी शामिल नहीं है, केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO जारी करती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य पर वैश्विक खर्च में 6% और उच्च आय वाले देशों में 4% की वृद्धि देखी गई है, ना कि कमी देखी गई है। एक बात और याद रखिए, इस तरह के हम लोग जो भी संगठन है आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बात कर चुका हूँ, तो आप एक बार जाकर जरूर देख लें। वैसे आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी बता देता हूँ। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। आप लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, और इसकी जो हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसमें ना तो एक सही था और ना ही दो सही था, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय त्वरित परिवहन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्षेत्रीय त्वरित परिवहन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह सड़क आधारित उच्च गति क्षेत्रीय पारगमन प्रणाली है। गलत है। दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ से होकर गुजरेगा। सही है। यह महिलाओं और बच्चों और समाज के असहाय वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनते हुए संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करेगा। ये भी आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही है इसमें, लेकिन पहला इसमें गलत है। पहला किस लिए गलत है? क्योंकि आर आर टी एस यानी कि क्षेत्रीय त्वरित परिवहन पद्धति उच्च रफ्तार क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सबसे तेज और सबसे ज़्यादा आरामदायक और सबसे सुरक्षित परिवहन का साधन है। ठीक है, याद रखिए। यह एक गलियारा है जो 82.15 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है आपका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्वरित क्षेत्रीय त्वरित परिवहन पद्धति के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? 2 और 3 आपका सही है।
क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है, इसलिए आपने देखा है दो और तीन कथन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय रेलवे ने दक्षिण तटीय रेलवे के नाम से एक नए रेलवे जोन के गठन का निर्माण निर्णय लिया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण तटीय रेलवे नाम से एक नए रेलवे जोन का गठन का निर्णय लिया था अभी हाल में। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसमें आप देखेंगे गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीजन शामिल होंगे। बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है, तो आप देखेंगे कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल कथन दोनों सही है आपके। विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय होगा। कहाँ? विशाखापट्टनम में, आप जानते हैं। और विशाखापट्टनम कहाँ है तो मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए कि ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने, चागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चागोस द्वीप संदर्भ, द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। 18वीं शताब्दी के आरंभ से इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा है, यह भी आपका गलत है। गलत है तो भाई सही क्या होगा? क्या है? सही क्या होगा इसमें? क्योंकि आप जानते होंगे कि चागोस द्वीप समूह आपका हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? मध्य हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेगा। यह भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे से लगभग आप देखेंगे 1600 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है ये, ठीक है, ना कि प्रशांत महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। आप जानते हैं कि हमारे ही देश के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा हुआ है। तो 19वीं शताब्दी में आप चागोस मॉरिशस द्वारा शासित था, जो कि एक ब्रिटिश उपनिवेश था। बैटन ने मॉरिशस की स्वतंत्रता के बाद भी चागोस द्वीप समूह पर अपना कब्जा बरकरार रखा, जिसमें अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डिएगो गार्सिया एयरबेस भी शामिल है आपका, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? सही पूछ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ना तो एक सही है और ना ही आपका दूसरा सही है। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा आपका। डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? स्वायत्त नामक एक पहल शुरू की गई हाल में ही, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह सरकारी ई बाजार पर ई लेन देन के माध्यम से स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की एक पहल है। बिल्कुल सही है। यह सार्वजनिक खरीद में MSME क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्या है? ये भी आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं एक कथन भी सही है और दूसरा भी आपका सही है। और याद रखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो इसमें आपका एक ऑप्शन भी सही था और दूसरा भी सही था, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, महिला आजीविका बॉन्ड WLB के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? महिला आजीविका बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशेष रूप से महिलाओं के लिए जारी किया गया है। ऐसा नहीं है, गलत है। एक खाद्य प्रसंस्करण, कृषि सेवाओं और लघु इकाइयों जैसे क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को सक्षम बनाएगा। ये बिल्कुल सही है। ये असुरक्षित और गैर सूचीबद्ध बॉन्ड होंगे। ये भी आपका सही है। याद रखिए, इस तरह के संगठनों से मैं बता रहा हूँ नहीं कि हर बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सही उत्तर चुनना है तो दो और तीन
आपका बिल्कुल सही है, लेकिन पहला गलत है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन है आप लोग विशेष जोर देकर पढ़ने से, क्योंकि आपने देखा है कि MPPSME भी अब सिलेबस बदल चुका है और महत्वपूर्ण संगठन इस तरह के पूछे जाएंगे। तो मैंने आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कवर कर दिए हैं और राष्ट्रीय भी संगठन कवर कर दिए हैं, और जो भी आपको लगे कि ये नहीं है कवर तो उसे बताएं, मैं कवर कर दूँ करवा दूंगा, ठीक। लेकिन इसमें देखेंगे पहला कथन गलत क्यों है। तो महिला आजीविका बॉन्ड WWLB जिनकी समावधि 5 वर्ष होगी, सिडबी द्वारा विश्व बैंक और UN वुमन के सहयोग से लॉन्च किए जाएंगे। इन्हें 300 करोड़ रुपए की शुरुआती कोष के साथ प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका 2 और 3 कथन बिल्कुल सही था, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हम देखेंगे पहला कथन क्या है, यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही है। यह एक गैर अंशदायी पेंशन योजना है, यह आपका गलत है। लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यह भी आपका बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। तो 2 गलत है आपका और तीसरा, पहला और तीसरा सही है। पूछ क्या रहा है, सही उत्तर पूछ रहा है। तो 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है, 1 और 3 बिल्कुल सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि एक आप देखेंगे एक स्वैच्छिक यानी कि आपकी स्वेच्छा पर आप चाहें तो इसे इसका फायदा ले सकते हैं, और अंशदायी पेंशन योजना है, स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि 18 से 40 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी आय देखेंगे मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं है, इन्हें शामिल किया जाता है। जैसे ही आप देखेंगे इसका लाभ ये होगा कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इन लोगों को 3,000 रुपये प्रति माह मिलने लगेगा पेंशन के रूप में। पेंशन प्राप्ति के दौरान अभी दाता की अगर मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसकी पेंशन की 50% राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवन साथी को मिलेगी, ठीक है। पति पत्नी जीवन साथी के लिए लागू होगी, यानी कि पति पत्नी के लिए। तो इसमें आपका 1 और 3 सही था, क्या था, 1 और 3। दूसरा आपका गलत था, 2019 के बजट में आपने देखा था इससे शुरू किया गया था, ऐलान किया गया था इसका। इसके लिए एक आपका नंबर टोल फ्री नंबर भी है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी तो याद कर लीजिए 1800 यानी कि 1800-2676-88888, 3 बार 8 है आपका, 3 टाइम, ठीक है। ये आपका फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर, इसके बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय वायुश्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। राष्ट्रीय वायुश्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य देश के वरिष्ठ नागरिकों को आश्वस्त मानसिक पेंशन प्रदान करना है, ये आपका गलत है। इसका कार्यान्वयन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जा रहा है, ये भी आपका गलत है। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो केवल एक कथन आपका सही है, 2 और 3 गलत है। 2-3 इसलिए गलत है क्योंकि इसके तहत कोई पेंशन प्रदान नहीं की जाएगी। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे उपकरण उपलब्ध कराना है जो आयु संबंधी शारीरिक दिक्कतों से निपटने में मदद करेंगे और परिवार के अंदर सदस्यों के ऊपर उनकी निर्भरता को भी कम करते हुए उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेंगे। इस योजना को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ILEMCO सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम नामक एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है, ना कि स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया के माध्यम से। तो इसमें केवल आपका एक कथन सही है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो अब चलिए हम लोग मिलते हैं 16वें टेस्ट में। ये 15वां टेस्ट आपका था, तो तब तक आप लोग एंजॉय करिए।